नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूर्वी शुक्ला और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। 12 सितंबर 2018 को पड़ रहे हरतालिका तीज के व्रत में विधि विधान और इसके कठोर नियमों का पालन करना अनिवार्य है, ऐसा पौराणिक कथा में स्पष्ट कहा गया है। इस व्रत में कुछ बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। हरतालिका व्रत करने वाली महिलाओं के लिए शयन का निषेध किया गया है। ये व्रत कुमारी कन्याएं और सुहागिन महिलाएं दोनों ही रख सकती हैं, लेकिन एक बार व्रत प्रारंभ करने के बाद जीवन भर इसे रखना अनिवार्य होता है। केवल एक ही स्थिति में इस व्रत को छोड़ा जा सकता है, यदि व्रत रखने वाला गंभीर रूप से बीमार हो जाए तो उस स्थिति में किसी दूसरी महिला या उसके पति को ये व्रत रखना होगा। हरतालिका तीज की व्रत कथा में उन सारी बातों का जिक्र है जिन्हें इस दिन करना निषेध बताया गया है, और इसलिए इस व्रत के नियम अत्यंत कठोर हैं। इन सारी बातों के पालन की अनिवार्यता के चलते ही हरतालिका तीज का व्रत महाव्रत कहलाता है। कथा के अनुसार इस दिन महिलाओं को क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करने से मन की पवित्रता का ह्रास हो जाता है। संभवतः इसीलिए गुस्से को शांत करने के लिए महिलाएं हाथों में मेहंदी लगाती हैं। व्रत के दिन पूरी रात जागकर पूजा करनी चाहिए। कथा के अनुसार मान्यता है कि यदि व्रत रखने वाली महिला रात में सो जाती है तो वो अगले जन्म में अजगर के रूप में जन्म लेती है। इसी तरह बताया गया है कि इस दिन व्रत रखने वाली महिला अगर गलती से कुछ खा या पी ले तो अगले जन्म में वो वानर बन जाती है। जो महिलाएं इस दिन निर्जल रहकर व्रत नहीं करती तो जल पीने से वे अगले जन्म में मछली बन जाती हैं, ऐसा कहा गया है। इस पर्व पर गलती से भी सामिश भोजन करने वाली महिलाओं को कठोर श्राप के बारे में कहा गया है। कथा के अनुसार हरतालिका व्रत पर दूध पीने वाली महिलाएं अगले जन्म में सर्प योनि में जन्म लेती हैं। तो इस तरह हरतालिका तीज में ये कुछ कार्य वर्जित हैं। तो अगर आप भी इस साल व्रत रख रही हैं तो इन बातों का ध्यान जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम जल्द लौटेंगे ऐसी ही जानकारियों के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहिए बोल्ड स्काई से।